पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कायल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का बड़ा दुख है कि मोदी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का सम्मान नहीं किया जाता। एक इंटरव्यू के दौरान परवेज मुशर्रफ ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ पाकिस्तान की कमजोर और निष्क्रिय कूटनीति पर भी बात कही और कहा कि जहां तक वैश्विक कूटनीति की बात है तो मोदी पाकिस्तान पर हावी हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। आप बताएं, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को सम्मान मिलता है? हमारी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कमजोर है, कई कमियां हैं, मोदी हमारे ऊपर हावी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अकेले पड़ गए हैं। परवेज मुशर्रफ को शायद भारत की यही बात भा गई कि उन्होंने पाक जेल में बंद कुलभूषण जाधव को अपना जासूस मानने से इनकार कर दिया। तभी तो पाकिस्तान द्वारा लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन कबूलने पर मुशर्रफ नाराज दिखे और कहा कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान जेल में बंद कुलभूषण जाधव को जासूस मानने से इनकार कर दिया, उसी तरह पाकिस्तान को भी यही बात कबूल नहीं करनी चाहिए थी कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन है। वैसे मोदी दुनिया भर में छाए हुए हैं, ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका से लेकर जापान तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। इतना ही नहीं, करीब 73% भारतीयों को मोदी की सरकार में भरोसा है, जो किसी और देश में ज्यादा है। इसका खुलासा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में भी हुआ था। वहीं पाकिस्तान पर अब अमेरिका भी भारी पड़ गया है और हाल ही में उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का भी ऐलान कर दिया। यूएन में अमेरिकी एम्बेसडर निकी हेली ने पाकिस्तान को 1626 करोड़ रुपए की अमेरिकी मिलिट्री एड रोके जाने की पुष्टि की है। इसके अलावा व्हाइट हाउस के एक बयान में भी जारी किया गया है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ और कड़े कदम उठा सकता है। इससे ये साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ साथ परवेज मुशर्रफ भी मोदी से डरे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मोदी के खिलाफ इतना बड़ा बयान दे दिया जिसमें मोदी की तारीफ ही की है उन्होंने और पाकिस्तान को नीचा दिखाया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।